हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्यूज ऐप से पैसा कैसे कमाए। आप क्यूज ऐप से 1,00,000 रुपया मंथली कमा सकते हैं, 2,00,000 रुपया मंथली कमा सकते हैं, 50,000 रुपया मंथली कमा सकते हैं, लेकिन कैसे कमाए और कैसे बनवाए ये वीडियो पहले बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिससे यदि कोई भी ऐप बनवाना हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, क्यूज ऐप बनवाकर कैसे आप लोग कमा सकते हैं, इसका आज हम लोग मॉडल देने वाले हैं। कोई भी क्यूज ऐप कैसे कमाता है, देखिए। सबसे पहले ऐप जो होता है दो तरह से अर्निंग करता है। ऐप जो होता है वो दो तरफ से अर्निंग करता है। बातों को समझिएगा अच्छा तरीका से। पहला होता है, एक होता है पेड रख के, कोई भी चीज को पेड रख के, और एक होता है फ्री रख के। एक क्या होता है, फ्री रख के। भैया अब इसमें कैसे कमाएंगे, इसमें कैसे कमाएंगे? अब देखिए, जो पेड़ है उसमें आप क्या कर सकते हैं, रियल अर्निंग कर सकते हैं। रियल कैश जिसको बोलते हैं, इसमें आप रियल कैश अर्निंग कर सकते हैं पेड़ में। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप एड के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कमा सकते हैं। अब देखिए भैया, इसमें और इसमें क्या अंतर है? देखिए, यदि आपका क्यूज ऐप है, सपोज दैट आपका ऐप जो है 10K डाउनलोड है, ऐप का ऐप जो है 10K डाउनलोड है, इसी पे आप निकाल सकते हैं 10,000 का। कोई भी 1,000 किसी का डाउनलोड है तो वो भी मान सकते हैं। 10,000 ऐप डाउनलोड तो होता है, लेकिन 10,000 एक्टिव यूजर्स नहीं होता है। जिनके पास ऐप होगा या जो बनवाएंगे उसको इन फ्यूचर आपको पता चल जाएगा। यदि आपका ऐप 10,000 डाउनलोड है तो 10,000 आपका एक्टिव यूजर नहीं होगा, मतलब 10,000 आपका आदमी डेली ऐप नहीं खोलेगा, उसको एक्टिव यूजर बोलते हैं। एक्टिव यूजर वो होता है जो आपका ऐप को डेली खोलता है, कभी ना कभी, अभी खोला, 10 घंटा बाद खोला, कभी भी खोल सकता है। एट अ टाइम ये नहीं है जो 10,000 खोलेगा, कोई भी टाइम आपका ऐप में वो एक्टिव यूजर जो है आएगा ही आएगा, उसको हम एक्टिव यूजर बोलते हैं। सपोज दैट आपने बहुत सारा ऐप अपना मोबाइल में रखे होंगे, आप जो रखे होंगे जरूर रखे होंगे, लेकिन कोई कोई ऐप जो होता होगा जिसको डेली आप खोलते हो, जैसे कि यूट्यूब की बात की जाए, फेसबुक की बात की जाए, इंस्टाग्राम की बात की जाए, सपोज दैट, और जो आपका वर्क का ऐप होगा उसको आप डेली खोलते होंगे, तो वही चीज है, उसको बोलते हैं एक्टिव यूजर। 10 की आपका ऐप क्या है, ये है डाउनलोड, ये क्या है आपका डाउनलोड है। डाउनलोड तो हो गया आपका 10 की ऐप, ठीक है, लेकिन आपका जो है 1 से 2K आपका एक्टिव यूजर रहेगा। डिपेंड ऑन ऐप, आप ऐप में क्या देते हैं, आपका ऐप कितना अच्छा है, आपका ऐप कितना वर्क कर रहा है, आपका मटेरियल क्या दे रहे हैं, किस टाइप के क्यूज दे रहे हैं, तो आपका 2K एक्टिव रहेगा। यह एक बात कहा गया है, जनरली कोई भी चीज जो होता है ना, जनरली देखा जाता है। कोई भी चीज कैसे देखा जाता है, जनरली, वो जनरली क्या है, ठीक है, 2K। अब देखिए, यदि सपोज दैट आपका ये 2K तो डाउनलोड, 2K क्या है आपका एक्टिव यूजर है, इसमें आपका सपोज दैट यदि आपका 10% देखा गया है, कोई भी चीज में 10% जो है कन्वर्जन है, आपका क्या है 10% कन्वर्जन होता है, मतलब कोई भी कोर्सेस को यदि बेचते हैं जो आपका एक्टिव यूजर्स है उसका मिनिमम 10% तो कन्वर्जन होना ही होना है। यदि आप एक टेस्ट 99 रुपया का बेचते हैं, यदि आप एक टेस्ट 99 रुपया का बेचते हैं तो 2000 का 10% हो जाता है 200 आदमी। इसको यदि आप 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया। ये आपका 20,000 रुपया क्या हो गया, 20,000 रुपया ये आपका मंथली हो गया दोस्त, क्योंकि आप 99 रुपया मंथली सब्सक्रिप्शन बेच सकते हैं। जिसको डेली टेस्ट मिलेगा या कोई भी चीज मिलेगा तो आप वो 2,000 रुपए, ये 20,000 रुपया क्या हो गया आपका मंथली हो गया। अब इस 20,000 को आप एडवर्टाइजमेंट करवा के ऐप को 10K से आप उठा के डायरेक्ट आप 100K भी ले जा सकते हैं, ठीक है, 100K भी ले जा सकते हैं। तब आपका यहाँ पे कितना एक्टिव यूजर्स हो जाएगा, एक्टिव यूजर्स 10K हो जाएगा। एक्टिव यूजर्स कितना हो जाएगा, 10K एक्टिव यूजर्स हो जाएगा, 10K एक्टिव यूजर्स हो जाएगा। ये बात कैसा है, ये बात जनरली है, जनरली मतलब जो कि होना ही होना है। इसमें भी आपका क्या होगा, इसमें भी आपका 10% स्टूडेंट क्या होगा, वो कोर्स खरीदेगा। 10K का 10% 1000 आदमी आपका कोर्स खरीदेगा, फिर 1000 आदमी आपका क्या हुआ, कोर्स खरीदा, क्या हुआ, 1000 आदमी आपका कोर्स खरीदा। 99 रुपया कोर्स है, कितना हो गया, 1,00,000 नहीं हो गया, 99,000 हुआ तो मिला 1,00,000 हुआ भाई। तो आप इस वजह से, इस टाइप से आप कमा सकते हैं, यही है आपका पेड। ये क्या है आपका पेड कमाना हुआ, अब फ्री का बात करते हैं हम लोग, समझ गए। इस टाइप से आप पेड में कमा सकते हैं, कोई भी चीज को पेड रख के आप अर्निंग कर सकते हैं। अरे भैया ये भी इतना बिक जाता है 200, आराम से बिकेगा दोस्त। ये कन्वर्जन रेट है 10% कन्वर्जन रेट एक्टिव यूजर्स का, ये नहीं जो डाउनलोड 10,000 है तो आपका कितना वहां पे आपका 1,000 बिक जाएगा। एक्टिव यूजर्स आपका कितना है, 2,000 ही है ना, तो एक्टिव यूजर्स में आपका जो है 10% कन्वर्जन रेट जो एक एवरेज देखा गया है, जनरली देखा गया है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, मंथली का 20,000 भी, मंथली का 1,00,000 रुपया भी, इसी तरह मंथली का 1,00,000 रुपया तक भी कमा सकते हैं, करोड़ों कमाता है। बहुत सारा ऐसा ऐसा ऐप है जो कि मंथली का सिर्फ क्यूज करके 1,00,000 रुपया कमा रहा है, उसका अर्निंग मॉडल बहुत सारा है, ठीक है, वो समझने वाली बात है। अब देखिए,
ये हुआ आपका किसके थ्रू, ये हो गया आपका फेड़ी के थ्रू, ये सॉरी पेड़ के थ्रू, ये आपका क्या किसके थ्रू हो गया, ये आपका पेड़ के थ्रू हो गया। अरे यदि भैया हमको ऐप बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए फ्री के थ्रू, फ्री से आप क्या चीज से कमा सकते हैं, एड से कमा सकते हैं। एड देखिए क्या होता है, यदि आपका ऐप ये है, कोई भी ओपन करता है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्रचार आ जाएगा, ये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्रचार आ जाएगा, यहाँ पे काटने वाला आ जाएगा, चाहे यहाँ पे वीडियो एड आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, बंद करने वाला आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, एड बोलते हैं। तो आप एड के थ्रू कितना अर्निंग कर सकते हैं ये पहले जान लीजिए। यदि आपका ऐप 10,000 डाउनलोड है तो आपका एक्टिव यूजर्स 2,000 है, तो 2,000 आदमी जो है आपका क्या है, एसी है, क्या है, एयू है, एयू मतलब एक्टिव और यू मतलब यूजर्स, दो के आपका एक्टिव यूजर्स है। अब देखिए दो के जो आपका एक्टिव यूजर्स है, इसमें आप एड का अर्निंग समझ जाइए, जितना एक्टिव यूजर्स है, बातों को सुनिएगा, जितना एक्टिव यूजर्स है उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे मेरा 2000 एक्टिव यूजर्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 4×5=20, ये आपका क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, आपका 500 रुपया अर्निंग होगा। यदि आपका 10,000 एक्टिव यूजर्स है तो आप 500 रुपया कमाइएगा। हाँ, लेकिन आपका ऐप में डेली न्यू कुछ ना कुछ आना चाहिए दोस्त, डेली कुछ ना कुछ रहेगा तब तो ऐड चलेगा उसमें, एक ही चीज पे रहेगा तो ऐड लिमिट लग जाएगा, आपका ऐड बंद भी हो सकता है क्योंकि एक ही मटेरियल बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो 500 हो गया क्या पर डे का अर्निंग हो गया, क्योंकि पर डे ना 2000 यूजर्स एक्टिव है, आप 500 रुपया पर डे का हो गया तो कितना हो गया, 15,000 रुपया मंथली का हो गया, तो 15,000 रुपया मंथली आपसे फ्री देके कमा सकते हैं और आपका डाउनलोड रहेगा 10,000। लेकिन आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको एक्टिव किस टाइप से रहना पड़ेगा, यदि आपका क्यूज ऐप है तो डेली क्यूज लगाना पड़ेगा, यदि कोई स्टडी मटेरियल से रिलेटेड ऐप है तो डेली स्टडी मटेरियल उसमें अपलोड करना पड़ेगा। तो इस टाइप से क्यूज मॉडल में ऐप में आप कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। यदि कोई डाउट रह गया है तो जरूर पूछिएगा कॉमेंट सेक्शन में। मेरा नाम हुआ गंधर्व, आपको यदि ऐप बनवाना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंडियन डेवलपर्स हम लोग का टीम है जो कि आपका ऐप वगैरह बनाता है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।